ड्रग्स केस दी गल करांगे जिस अंदर जिस मामले तहत जेल च नज़रबंद ने साबका अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया जिन्हां ने हुण जमानत की अर्जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च लाई है। दस दईए कि इस तों पहलां मजीठिया ने ड्रग केस नूं खारज करन लई सुप्रीम कोर्ट च वी पटीशन दायर की सी। इस ते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तो इनकार किया सी। जिक्रयोग है कि कांग्रेस सरकार समय चोणां तों कुछ समा पहलां ही बिक्रम मजीठिया खिलाफ़ केस दर्ज होया सी। इस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने चोण लड़न तक गिरफ्तारी तों राहत दे दित्ती सी। वोटिंग तों बाद मजीठिया ने 24 फरवरी नूं मोहाली अदालत च आत्म समर्पण किया सी। सो हुण जिहड़ा है एक बारी फिर तो हाई कोर्ट का रुख किया गया। इस खबर से जानकारी की सांझ पाउण लई साडे पत्रकार फरीदकोट तो देवानंद ने। देवानंद की लगता है जो केस की जो ग्राउंड रियलिटीज़ ने उस आधार के उत्ते कोई राहत का बोला मजीठिया उन्हां वास्ते आ सकता या नहीं, जिस तरीके नाल हुण तक केस पिछले लंबे समय तो चलता रहा। बिल्कुल नवजो दस दिए क्योंकि जी गल करिए बिक्रम मजीठिया की, इन्होंने पहला सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हाई कोर्ट का रुख करो। हाई कोर्ट में जो इन्होंने दोबारा जी जमानत की अर्जी लगा दी है, तो लगता कितना ना कितने जी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुआ केस है, क्योंकि अक्सर जो ड्रग्स के मामले ने उन्होंने बेल है जी घट मिलती है, बहुत घट चांस होंगे ने। लेकिन फिर भी बिक्रम सिंह मजीठिया से इल्जाम कई तरह के ने, क्योंकि कई तस्कर ने जिन्हां जिहड़ा की है पोलिटिकल एंगल तो भी उन्होंने कहा कि इन्हां दे संबंध ने। सब तो वड्डी गल है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जो सुप्रीम कोर्ट का रोक किया से उदों अपने परचे की जिहड़ी परचा मुकदमा दर्ज उहदी खारज करन की गल कही गई सी, लेकिन हुण हाई कोर्ट का जिहड़ा रोक किया, हाई कोर्ट में जाके जिहड़ा कि अगली तरीक जिहड़ी सुनवाई होगी। तो दस दईए कि ड्रग्स केसां च अक्सर है बहुत घट है जिहड़ी जमानत मिलती है, लेकिन देखा जा सकता है कितना ना कि जी इन्होंने कानूनी प्रक्रिया दा पेज जो लिखे गए हैं जी कानूनी प्रक्रिया ने फाइल जी उ सबमिट की गई है, कई तरह दियां कॉल डिटेल्स ने लिखिया गई ने, तो उस हिसाब में लगता कितना ना कि जाके राहत की घट नजर आ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट पहला भी रोक सख्त रुख बना सकी है, क्योंकि 24 इलेक्शन तो बाद जो सरेंडर किया उस तो बाद भी काफ़ी सख्ती जिहड़ा एस आई टी ने जिहड़ा इन्होंने कानूनी प्रक्रिया में उलझे केस में काफ़ी तरह के नुकते जिहड़े उस केस में दायर किए सन। लगता कितना ना कि कुछ घट चांस ने, क्योंकि लगता फिर भी हाई कोर्ट में रोक करने राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया देखी जाइए तो ड्रग्स के मामले अक्सर ही देखते हैं कि बहुत घट आरोपी ने जिन्होंने जमानत मिलती है, तो लेकिन फिर भी हजे तक तो कोई दोष जिहड़े साबित नहीं हुए बिक्रम सिंह मजीठिया से। आने वाले दिनों से पता लग जाएगा कि हाई कोर्ट किस तरह का इन्हों कोई दे पाँदी है जमानत के, अगर नहीं दे पाँदी जी।